तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल को हम कैसे याद कर सकते हैं ना। सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि हम पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज कैसे करेंगे याद, ठीक है ना। और बहुत सारी ट्रिक्स यूज़ करने वाले और धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है देख लीजिए कि हम आज लर्न करने वाले हैं ट्रिक पीरियोडिक टेबल को ग्रुप वाइज कैसे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से नीचे इसको कैसे पढ़ना है, याद कैसे रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम देख लेते हैं। तो मैं ये फर्स्ट वाला ग्रुप लेता हूँ यहाँ पे नीचे और फिर आपको बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखिए बच्चों, अब मैंने पहला ग्रुप ले लिया है यहाँ पे। तो इसको अब हम कैसे याद करेंगे, सबसे पहले आपको इसको कैसे याद करना तो देख लेते हैं। HLINAKRBCS NFR, तो इसको हम कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देता हूँ एक तरीका से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हेलीना की रब से फरियाद, है ना, हेलीना की रब से फरियाद। तो इसको हम यहाँ ऐसे कर कर लिख लेंगे। मैं एक मिनट लिख लेता हूँ, है लीना, ठीक है, हेलीना, हेली और फिर यहाँ पे ना, फिर की, के आई, मतलब याद करने का तरीका है के से याद रखना है, के इस पोटेशियम हैली ना की रब से, है ना, रब से तो ऐसे लिख देता हूँ रब और फिर से, CSE से फरियाद, फरी याद, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा पहले ग्रुप को याद करने का कि भाई हैली ना की रब से फरियाद, तो हमारा पूरे के पूरे एलिमेंट्स इससे याद हो जाने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का था ट्रिक। अब मैं सेकंड ग्रुप का बताता हूँ। तो अब सेकंड वाले को देखते हैं कैसे हम याद कर सकते हैं। BEMGCASRBARA, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या बात है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा मांगे कार स्कूटर, है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है। और BR मैं बोल सकता हूँ बाप और आर ए राजी, ठीक है। याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो हमारा हमने सेकंड ग्रुप भी देख लिया। अब हम डायरेक्ट जाएंगे 13 ग्रुप में और 13 ग्रुप को देखेंगे कैसे याद करना। तो बच्चों, अब 13 ग्रुप को हम कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। BALGAINTI, ठीक है। तो इसको मैं कैसे याद करूँगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ ब्रिंग ब्रिंग आलू गाजर इन थैली, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ ब्रिंग आलू गाजर इन थैली, है ना, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक सिंपल है, ब्रिंग आलू गाजर इन थैली, ठीक है। तो 13th वाला ग्रुप भी बड़ा इजीली हो गया। अब हम 14th ग्रुप को देखेंगे कि उसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 14th ग्रुप देखने वाले हैं। तो 14th ग्रुप देखो CSIGESNPB, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं का सी गए संत प्रभु, संत प्रभु, ठीक है, प्रभु BHU, काशी गए संत प्रभु, क्या बात है, काशी गए संत प्रभु, ठीक है। ये आप 14th ग्रुप के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम 15th ग्रुप पे, ठीक है। तब तक मैं 15th ग्रुप की फ़ोटो लगा देता हूँ फटाफट। तो बच्चों देखते हैं, अब ये देखो 15th हमारा, 15th ग्रुप कैसे याद करना है। तो मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन, सीधे सीधे नाइट्रोजन है ऊपर, तो मैं लिख लेता हूँ नाइट्रो नाइट्रोजन पास, ठीक है, पास PASS होता है ना, तो ये P यहाँ रहेगा और ये नीचे यहाँ पे रहेगा, नाइट्रोजन P पास सब बिकवास, बकवास तो मैं लिख नहीं सकता, तो ऐसे BI है ना, तो बिकवास बिकवास, ठीक है, नाइट्रोजन पास सब बिकवास, कोई दिक्कत यहाँ तक। 15th ग्रुप भी हो गया। आते हैं हम 16th ग्रुप को कैसे करना है यार। तो बच्चों अब देखते हैं यहाँ पे 16th ग्रुप को कैसे याद करना है। तो देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो OSSE
TEPO, तो मैं बोल सकता हूँ ओल्ड स्टाइल, ओल्ड स्टाइल से TPO, ठीक है, ओल्ड स्टाइल से TPO, तो ये याद हो गया, 16th है, ठीक है। अब हम 17 देखते हैं, कैसे याद करना है 17, ठीक है। अब हम देखते हैं 17th ग्रुप को कैसे याद करें, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, ठीक है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, सिंपल है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो के अपना नोट्स बना लो और एक दो बार बोलोगे सब चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, तो बच्चों अब हम 18 ग्रुप देखेंगे, एच ई एन ई ए आर के आर एक्स ई आर एन, तो इसको कैसे याद करेंगे, हीना हीना नेहा और करीना के, ये के भी लिख लो इसके पीछे, के एक्सरे, एक्स और फिर रे, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सरे रंगीन, ठीक है, याद रखना हीना नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, ये याद हो गया। तो हेलो बच्चों, अब हम देखने वाले हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, ठीक है, हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद करना है, तो मैं इसको तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट यहीं पे आप लिखते हुए चलना, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे ये है एस सी, तो मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे एस सी टी वी खरीदी मैंने, लिखते रहना ऐसी टीवी, ऐसी टीवी खरीदी मैंने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, ऐसी टीवी खरीदी मैंने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, क्लियर है, ऐसी टीवी खरीदी मैंने, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, क्लियर है, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले में आते हैं, वाई जेड एन एन बी एम ओ टी सी आर यू आर एच पी डी ए जी सी डी, कैसे याद करना है, यारा यारी जरा निभाना मौत तक, क्या बात है, यारी जरा निभाना मौत तक, ठीक है, रुकावट राह पे पड़ेगी, रुकावट राह पे पड़ेगी आग में कूद जा, क्या बात है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पे पड़ेगी आग में कूद जा, क्या बात है, आग में कूद जा, क्या बात है। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट में, तो ये है एल ए एच एफ टी ए डब्ल्यू आर ई ओ एस आई आर पी टी ए यू एच जी, तो इसको मैं कैसे करूँगा, ला हफ्ता ताऊ, अरे ला हफ्ता ताऊ वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता ताऊ वरना रे उससे इधर पिटाई और होगी, क्या बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को याद करने तक आपको क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छे से इसको और देखेंगे बहुत मज़े में, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, याद हो जाती है।